1964 से यात्रा प्रारंभ करने वाला बापू की कुटिया आज मध्य प्रदेश का नंबर वन स्वाद बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रोशनपुरा स्थित बापू की कुटिया, जिसने देश प्रदेश में तमाम नेताओं की जुबा पर अपना नाम कायम रखा है और अपने स्वाद की चर्चा को कायम रखते हुए आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 9 आउटलेट एवं इंदौर में 2 आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं। बापू की कुटिया के इंद्रपुरी संचालक नवीन सुजवानी ने बताया कि हम स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं, यही वजह है कि आम जनता हम पर आंख बंद कर भरोसा करती है। हम क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं। शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों एवं स्वाद के मामले में हमारा कोई तोड़ नहीं है। हमारे द्वारा साफ सुथरे माहौल में हमारे यहाँ भोजन बनाया जाता है और पारिवारिक माहौल में उसे परोसा जाता है, ताकि हमारे ग्राहकों को लगे कि हम बाहर नहीं घर पर ही भोजन कर रहे हैं। विशेष तौर से हम साफ सफाई एवं उच्च क्वालिटी का आटा, सब्जी, दाल एवं अन्य प्रकार का किराना इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे ग्राहकों को कोई भी स्वास्थ्य में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी की बदौलत है कि आज बापू की कुटिया भोपाल एवं मध्य प्रदेश के लोगों से जुबा पर एकमात्र नाम है। प्रदेश का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने बापू की कुटिया का स्वाद नहीं चखा हो। तो एक बार तो जो बापू की कुटिया का स्वाद चख ले, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुद्धता की परंपरा बनती जा रही बापू की कुटिया। हम बात करें स्वाद की, तो पिछले कई वर्षों से लोगों के जुबा पर ये स्वाद, एक अनोखा स्वाद बन उभरा है। इंदौर भोपाल में तमाम हम नेता की बात करें, चाहे छोटे लोगों की बात करें, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की करें, हर आदमी बापू की कुटिया में खाना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ शुद्धता की पूर्ण गारंटी दी जाती है और 1964 से लगातार सेवा में लगे हुए हैं। भोपाल में 9 आउटलेट है जहाँ पर तमाम सुविधाओं के साथ में शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम ठीक रहेंगे। और बापू की कुटिया का ये वचन है कि शुद्धता से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। आइए हम बात करते हैं, हमारे सामने बापू कुटिया के मैनेजर उपलब्ध है। सर बताइए। सर मेरा नाम भरत सिंह है और मैं, हमारा जो आउटलेट है बापू कुटिया का ब्रांड है जो 1964 से शुरू है, इसके जो संस्थापक हैं नवीन सुजवानी जी और जीतू सुजवानी जी हैं, और उन्होंने इसकी ब्रांच धीरे धीरे इसकी ब्रांचें 9 ब्रांचें कर दी हैं, और इंदौर शहर में 2 हैं हमारी और भोपाल शहर में हमारी 8 ब्रांचेस हैं। सर हम बात करें रोशनपुरा का छोटा सा आउटलेट हुआ करता था जी, जो आज इतना विशाल रूप लेकर पूरे भोपाल में फैल गया, क्या वजह? सर इसकी यही वजह है कि कम दाम में शुद्ध खाना दिया और एक ही संदेश दिया, शुद्ध आहार शाकाहार। मतलब उन्होंने ये कुटिया का निर्माण इस तरह से किया था कि कुटिया गरीब आदमी भी उसमें खाना खा के जा सके और अमीर आदमी भी उसमें खाना खा के जा सके। सर हम बात करें प्रदेश के कितने भी लोकप्रिय जो नेता हुए हैं जी, सबकी जुबा पे बापू कुटिया का ही नाम क्यों? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह हैं, जब वो विधायक हुआ करते थे तो हमें याद है कि वो वहाँ पे लाइन लगा के खाना खाते थे, और कई सांसद हैं, कई कलेक्टर हैं, वो कई मतलब आधे आधे एक एक घंटे उन्होंने लाइन लगा के खाना खाया है, मंत्रियों ने खाना खाया है। तमाम हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, जितने भी नेता है बापू कुटिया स्वाद के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं बढ़ पाए बिल्कुल, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, स्टार्स हैं, वो सब बापू कुटिया को बहुत पसंद करते हैं। जब भी आए हैं उन्होंने अच्छे लाइक भी दिए हैं, अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं बापू कुटिया को, और उनका अच्छा आशीर्वाद भी रहा है बापू। आज के माहौल में बहुत कॉम्पिटिशन पैदा हुआ है, नए नए रेस्टोरेंट ओपनिंग हुए, फिर भी बापू कुटिया को चले ही नहीं कर पा रहे, क्या वजह? सर इसका यही है कि उत्तम स्वाद और अच्छी क्वांटिटी और कस्टमर का प्यार। सर आप लोगों की सर्विस की हम बात करें तो बड़ी स्नेहपूर्ण सर्विस मिलती है। जी बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी सर, आप आएंगे तो खाना आपको फास्टली मिलेगा, अगर कस्टमर को कुछ और मॉडिफाई कराना तो वो भी हम तुरंत मॉडिफाई करके देते हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, सात्विक चाहिए, बिल्कुल लहसुन प्याज भी नहीं चाहिए, तो वो भी हम करके देते हैं। प्योर वेज तो है ही हमारा, और हमारा जो रेस्टोरेंट है वो प्योर वेज और शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। मैं सभी अपने गेस्टों को, अपने मित्रों को बापू कुटिया से के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप वेज की तरफ आएं, शुद्ध आहार शाकाहार, यही हमारा संदेश है, इसी संदेश को हम पहुंचाते हैं सभी लोग। सर जो इस समय सर जो बीमारी का प्रकोप है, कोरोना प्लस अभी दूसरा वेरिएंट आया है, तो आप अपने भोपाल वासियों को प्लस आपके रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमरों को क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए संदेश देना चाहेंगे?
हम कस्टमर से यही अनुरोध करते हैं कि वो जब भी आए एक डिस्टेंस बनाएं, भीड़ नहीं लगाएं, दूर दूर बैठें, और जब तक आपका खाना नहीं आता आप मास्क पहन के रखें। हमारा लड़का जो रहेगा वो सैनिटाइज करेगा, हमारे कुक पूरे सैनिटाइज तरीके से खाना बनाते हैं, और पूरे प्रोटोकॉल हम लोग उसका नियम का पालन करते हैं। हम कस्टमर से ही चाहते हैं कि वो भी हमारे को सहयोग करें, ये प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए कस्टमर का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्रोटोकॉल पूरा हो पाएगा और इस बीमारी को बढ़ने से अपन रोक सकते हैं। सर आपका नाम बताएं, आप एक बार संस्था का और नाम बताइए। सर मेरा नाम भरत सिंह गुसाई है और मैं इंद्रपुरी बापू कुटिया 11B सेक्टर सी और सेक्टर बी सॉरी इंद्रपुरी। सर कोई कोई कस्टमर आपके पास आना चाहे तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। 888-933-4466 ये नंबर भी है हमारे पास, और एक दूसरा नंबर भी है 626-33-41511 बापू कुटिया इंद्रपुरी 11B। आज हमने इंद्रपुरी बापू कुटिया का दौरा किया, जो वास्तव में 1964 से जो क्वालिटी थी वो आज भी बरकरार है। कई बदलाव देश में आए, विदेश में आए, क्वालिटी में आए, लेकिन बापू कुटिया में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 64 का खाना है वो आज भी हमें मिल रहा है। वास्तव में अपनी विरासत को संभालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और तो बापू कुटिया ने वो साबित कर दिया कि हमारी विरासत ही हमारी धरोहर है, और हमारे ग्राहक हमारे भगवान है, और उनका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जिम्मेदार है। हेडलाइन 24 संतोष की भोपाल।